चलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। टुडे आई विल स्टार्ट विद द इंडियन फिल्म। सो टुडे आई विल स्टार्ट विद द इंडियन प्लेन्स। ओके सो लेट अस स्टार्ट। यार ये बिस्किट बिस्किट खाते रहते हैं, कैसे बच्चे होते हैं? ये कौन कौन है ये बिस्किट टाउन खोल दे। ठीक है ठीक है, जान लो जान लो जान लो यहाँ पर ध्यान दो। चलो तेरे स्टूडेंट्स का बोला यहाँ पर ध्यान दो। ठीक है फॉर्म बाय alluvial deposition formed by alluvial deposition from Indus, Ganga and Brahmaputra. ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ये कहां पर है? ये जस्ट हिमालय से जैसे हम लोग नीचे उतरेंगे तो वहां से हमारा प्लेन्स। अगर हिमालय से नीचे आएंगे तो जहां से हम लोग जैसे हम लोग यहाँ से हम लोग नीचे उतरेंगे तो यहाँ से हमारा सब प्लेन्स चालू हो जाएगा। ठीक है, और फिर बाद में जैसे हम प्लेन्स के नीचे जाएंगे वहां से चालू हो जाएगा पेनिनसुला। ठीक है, पेनिनसुला वो कुछ ऐसे प्रकार का। ठीक है, ये दिस इज द ट्रायंगुलर शेप, ट्रायंगुलर शेप है हमारा पेनिनसुला। तो पहले बात करते हैं द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इट इज फॉर्मड बाय द एलुवियल डिपॉजिट फ्रॉम द इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। मतलब जो भी सेडिमेंट्री, जो भी मिनरल, ये मेन जो है रिवर इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ये सबसे जो भी सेडिमेंट्री ये तीन रिवर से आते हैं तो वो एलुवियल डिपोजिशन से हमारा ग्रेट ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया बने। ठीक है, इसका अगर हमने लेंथ की बात करूं तो लेंथ इज 2400 किलोमीटर। इसका अगर मैं विड्थ की बात करूं तो विड्थ इसका है 240 to 320 किलोमीटर। अच्छा, ये 320 कहाँ पर रहेगा और ये 240 कौन सा साइड पर है? देखो ये कहाँ पर है, ये सब जो भी रहेगा तो वो ये वेस्ट साइड में रहेगा। ठीक है, ये इतना जो लेंथ है इसका ये रहेगा वेस्ट साइड में, और इसका जो लेंथ है 240 का ये रहेगा इस साइड में। ठीक है, तो यहाँ से वैसे जैसे मैंने आप लोगों को हिमालय के बारे में बताया कि यहाँ से ये चौड़ा होता है और जैसे वो इसमें वो बढ़ता है वैसे वो चपटा होता जाता है, तो वैसे ही आप ये प्लेन्स के बारे में आप मान के चल सकते कि इसमें सॉरी वेस्ट में बोला बास्ट है और इसमें जाते जाते वो चपटा होते जा रहा है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर तीन सेक्शन है, इंडियन प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू द थ्री सेक्शन। फर्स्ट इज पंजाब प्लेन्स। ओके, फर्स्ट इज पंजाब प्लेन। In the western part, again, कौन से रिवर से होगा? According to that, पंजाब इंडस।
इन द स्टेनिट ट्राइब्यूटरीज, ठीक है, इन द स्टेनिट ट्राइब्यूटरीज से ये पंजाब प्लेन्स बना था। It is formed by the Indus tributaries. Okay, larger part of this plain is lying in the पाकिस्तान, मतलब ये जो प्लेन का एरिया है वो इंडिया में बहुत आपको कम देखने को मिलेगा, और जो लार्जर इसका पार्ट है लाइज इन पाकिस्तान, ठीक है, इट लाइज लार्जर पार्ट लाइज पाकिस्तान। आज मैं बैठ के पासेस देख रहा था, तो हमारे मैथ में तो आधे से ज्यादा पासेस नहीं दिए, हमारे जो मैथ है एटलस में इसमें आधे से ज्यादा पासेस नहीं, बहुत बहुत नहीं। सेकेंड वन इज गंगा प्लेन, गंगा प्लेन एक्सटेंडेड बिटवीन द घाघर एंड तीस्ता रिवर, ठीक है, एक एक्सटेंडेड बिटवीन द घाघर एंड तीस्ता रिवर इन आसाम। इसका ज्यादा एक्सटेंट है नॉर्थ इंडिया में, जैसे कि हरियाणा, यूपी, कैसे नहीं मेरा भी कनेक्शन सानवी 512। It is between the Ghagra and Teesta rivers. ये जो ज्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं नॉर्थ इंडिया में, ठीक है, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार एंड पार्टली, मतलब इसका कुछ पार्ट है जो झारखंड एंड वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। पार्टी मतलब कुछ अगर प्लैटी वाइज तो जैसा पार्टी नीचे अदर प्लैटी है अदर प्लेन अलग अलग, हाँ कुछ पार्टी वहां पर जा रही है, यहां पर प्लेन ही जा के पाना है, बाद में वहां पर देखा जाएगा, तो वहां पर प्लैटी झांसी
फिर बाद में आता है ब्रह्मपुत्र प्लेट, ऑफ कोर्स ये पर्टिकुलरली ईस्ट इंडिया में है और इट इज पर्टिकुलरली आसाम रीजन, ठीक है, ब्रह्मपुत्र प्लेट्स इट इज इन आसाम. आसाम पर्टिकुलरली नहीं आसाम. त्रिपुरा में भी है ना, त्रिपुरा में भी थोड़ा सा पार्टी है. त्रिपुरा त्रिपुरा मिजोरम डिविजन ऑफ रिलीफ टीचर. First one is Bhagar, second one is Terai, third one is Bhangar, then fourth one is Bhagar. ये कोई इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है. डिविजन ऑफ रिलीफ फीचर, ठीक है. अब इसका बात करते हैं भागर के ऊपर, ठीक है. नैरो, इट इज द नैरो नॉर्थ मोस्ट बेल्ट, ठीक है. इट इज द नैरो एंड इट इज द नॉर्थ मोस्ट बेल्ट. तो इसका बेल्ट है, ठीक है, इसका जो पट्टा है पट्टा, ठीक है, वो नैरो है लेकिन ये ज्यादा एग्जिस्ट करता है नॉर्थ साइड, ठीक है, ज्यादा ये यहाँ पर ऊपर की साइड में ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है. जहां पर अगर पैरेलल टू द स्लोप ऑफ द शिवालिक इन उत्तराखंड, ठीक है, इट इज पैरेलल टू द शिवालिक इन उत्तराखंड. ओके, प्रोपोसिटी विद द पिलर्स एंड रॉक फॉर्म अ पोरस बेड, ठीक है. ऑल स्ट्रीम डिसअपीयर, यहाँ पर ज्यादा अगर आपको दिखाई देगा तो यहाँ पर ज्यादा पत्थर रहेगा, ठीक है. अब अपना दिमाग लगा और आप खुद सोचो, ठीक है, पहाड़ से पानी गिर रहा, ठीक है, गिर रहा पानी, वहां से वो पूरा वो पत्थर कंकड़ मिट्टी वो सब लेके जा रहा है. वो जैसे ही पत्थर कंकड़ जैसे वो जमीन को छुएगा, अब वो इतना भारी जो पत्थर कंकड़ है उसको वो पानी आगे लेके नहीं जा सकता, ठीक है. मतलब वो पत्थर कंकर को खींचने का जो शक्ति था पानी में उसके पास अब नहीं. अब आगे कौन जाएगा, सिर्फ जो मिट्टी रहेगा थोड़े से, ठीक है, सेडिमेंट्स जो जाएंगे वो सिर्फ आगे सेडिमेंट्स जाएंगे लेकिन पत्थर कंकर यहाँ पर नहीं जाएंगे, ठीक है. तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये भागर है, भागर इज फैमिली ऑफ द पिलर्स पिलर्स एंड रॉक्स, ठीक है. एंड हियर All streams disappear. All streams disappear. All streams are disappearing here. मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि अब जो ये पानी है, ठीक है, पानी को तो पत्थर के अगर ज्यादा पत्थर रहेगा तो वो तो उसके अंदर से जाएगा ना पानी, क्योंकि वहां पर इतने सारे पत्थर वहां पर जमा हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि वो पानी पानी जो उसको आराम से पत्थर को इंटरसेक्ट कर सकता है और उसके अंदर से वो जा सकता है, ठीक है. तो इसके अलावा जब भी आप भागर भागर के अगर डिविजन में आप जाओगे आपको वहां पर स्ट्रीम आपको ऊपर से देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन जो स्ट्रीम है अब जैसे ही आप पत्थर हटाना चालू करेंगे जैसे ही आप अंदर तक जाएंगे उसके प्लेन तक तब आपको दिखाई देना दिखा दी गई यहाँ से हम लोग को स्ट्रीम देखने को मिल रहा है, ठीक है. जैसे कि रिवर इसका फर्स्ट स्टेज भी बोल सकते हैं, फर्स्ट स्टेज का एंड वो स्टार्ट वहां से होगा, स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट स्टेज के एंड में भी कैन गेट द पावर प्लेन. ये यहां पर है जहां पर वो सब अपना छोड़ रहा है, उसके पास अब रिवर के पास अब इतना शक्ति नहीं है कि वो अपना को लेके वो जा सके, ठीक है. फर्स्ट स्टेज का एंड ना, फिर उसके बाद तो रिवर्स आउट होगा प्लेन से. हाँ
उसके बाद सेकंड स्टेज, सेकंड स्टेज है फर्स्ट स्टेज के एंड में ऊपर फर्स्ट स्टेज में क्या था, फर्स्ट स्टेज में उसके पास ताकत था कि वो हीरोइड मूव कर सकता था और वो बड़े बड़े पत्थर को वो फर्स्ट स्टेज नीचे वो लेके आ सकता था, ठीक है। सेकंड स्टेज में क्या होता था, एक उसका जो शक्ति होता था बड़े बड़े पत्थर को खींचने के लिए उसका वहां पर खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन जो वैली बनती थी वो वैली अभी भी छोटी रहती है, वैली फाइट का वो होता था इसको कुछ वो ऐसा बना देता था, उसको और बास बना देता, इसको हम लोग को समझ में नहीं आता था ये वैली है या नहीं। हम से ऐसे यूज कर सकते कि फोर्थ स्टेज में जो वैली था वो लगभग डिसअपीयर होने के कगार पे, ठीक है। वैसा ही मतलब यहाँ पर ऊपर जितने भी है यहाँ पर सब कंकड़ है, ऊपर सब कंकड़ है और जो पानी है वो नीचे से जा रहा है। एग्जाम्पल आप देखो वहां पर आप कहीं पर भी आप कंकड़ रख दो वहां से पाइप आप चालू कर दो तो क्या पानी आपको ऊपर से दिखाई देगा, नहीं देगा ना। जब आप उसको हटा दो तब आपको यहाँ से पानी जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सब स्ट्रीम होते हैं लेकिन वो सब कंकड़ और पत्थर के नीचे है, तो इसके लिए आपको नॉर्मली ऊपर से दिखाई नहीं देगा। मैं आपको शो करूंगा बाद में डायग्राम भी बनाऊंगा, चलिए मेरा खत्म हो जाएगा फिर बाद में आएगा, ठीक है। फिर बाद में आता है पिरामिड, इट इज द साउथ टू, जैसे ये घाघर का बेल्ट वो खत्म होगा वैसे ही चालू होगा पिरामिड, ठीक है। इट इज साउथ टू द पावर बेल्ट, इट इज साउथ टू द पावर बेल्ट, यमुना रिवर के ईस्टवर्ड अक्रॉस में, ठीक है। यमुना रिवर के ईस्टवर्ड अक्रॉस में जहां पर हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल भी है, ठीक है। वो प्लेन्स है, ठीक है, वो प्लेन्स को करेक्ट डिवीजन बना के दिया गया, वो आपके मैथ में आपको नहीं दिया हरियाणा, ये आपको तेराई कहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तराखंड यूपी एंड वेस्ट एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये आपको कहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी एंड वेस्ट बंगाल। वेट यहाँ पर जो लैंडफॉर्म होता है वेट रहेगा, मार्शी रीजन रहेगा एंड स्ट्रीम एंड रिवर रीएमर्ज, ठीक है। यहाँ पर इसके लिए ठीक फॉरेस्ट में वाइल्ड लाइफ आपको देखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो मिट्टी रहेगा वो थोड़ा सा इसमें गिल्लापन रहेगा, मतलब वो अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूँ तो ये फर्टाइल रीजन, ठीक है, फर्टाइल रीजन रहेगा। तो इसके लिए तो यहाँ पर ठीक फॉरेस्ट पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर भागन में जो भी स्टिंग यहाँ पर डिसअपीयर हो रहे थे वो यहाँ पर फिर से रीएमर्ज हो जाएंगे, ठीक है। बाद में बात करते हैं भांगन, ओल्डर एलुवियल अलोंग द रिवर बेड फॉर्म द टेरेस हायर देन द फ्लड बेड, सॉइल वेयर कंसिस्ट ऑफ द कैल्शियस डिपोजिट, मतलब यहाँ पर हम लोग कुछ ज्यादा कंकड़ स्टीम देखते हैं, तो यहाँ पर हमें ज्यादा कंकड़ स्टीम है, तो इसके लिए जो भांगर है ना, भांगर मतलब इतना भी वो फर्टाइल नहीं रहेगा। यहाँ पर जो ये है तो यहाँ पर ओल्डर, हाँ कंकड़ वही कंकड़ छोटे छोटे पत्थर रहेंगे,
ये सबसे फर्टाइल रहेगा ये, इससे बेटर रहे तो ये सबसे मस्त रहेगा ये, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर है ऑफ कोर्स। तो यहां पर कुछ सर ये मिट्टी नहीं है, वहां पर मिट्टी कुछ नहीं है, वहां पर बड़े बड़े एक्सपर्ट से जवाब रखते तब तो ठीक है। यहां पर ओल्डर ओल्डर एलुवियल एलुवियल डिपॉजिट्स है ठीक है, यहां पर ओल्डर एलुवियल डिपॉजिट्स मैंने लिखा, मैंने कर दिया। ठीक है यहाँ पर ओल्डर एलुवियल डिपॉजिट्स ठीक है, ओल्डर एलुवियल डिपॉजिट्स क्योंकि अभी जितने भी नए नए आ रहे हैं वो यहाँ पर ये फंसते जा रहे हैं ठीक है। अगर यहाँ से कुछ बचा तो वो आगे वो रिलीज करके यहाँ पर ये भांगड़ में ये छोड़ेगा, लेकिन अब फिर भी यहाँ पर हम लोग को कुछ कंकड़ हम लोग को मिल जाएगा ठीक है, लेकिन फिर भी इट इज अ गुड फॉर फर्टाइल क्योंकि यहाँ पर थोड़े बहुत कंकड़ है, तो अगर इससे अगर मैं कंपेयर करूँ इसको तो इट इज इन द बेटर पोजिशन। बाद में बात करता हूँ खंडा रखे हो ठीक है, यूपी बिहार और यूपी और यहाँ पर बिहार में दिए, यूपी बिहार है वेस्ट बंगाल क्योंकि वो तीनों लाइन में आते हैं ना, यूपी बिहार और बाद में आता है वेस्ट बंगाल। जो भी ट्रेन ऊपर से होके वो आ रहा है तो वो सब उससे वो हो रहा है, मतलब हमारा जो प्लेन्स है वो फॉर्म कैसे हुआ है, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ और उसका डिवीजन ठीक है कैसा हुआ, तो वही हम लोग कर रहे हैं। तो ये सब कहाँ से आए, ये सब मिट्टी मिट्टी कहाँ से आ रहा है, जो भी समझ में कहाँ से आ रहा है, तो हिमालय से खास करके ब्रह्मपुत्र गंगा ये सब रिवर से पर आते हैं। अब बात करते हैं खादर की, यंग डिपॉजिट्स ऑफ द फ्लड प्लेन, ठीक है। देखो जो यहाँ पर है ना खादर ठीक है, खादर में ना ज्यादा यहाँ पर फ्लड पेंट हम लोग को पाए जाते हैं ठीक है, ज्यादा यहाँ पर अगर देखा जाए कि ये सबसे पीछे ठीक है, तो जब भी बारिश होगा तो सबसे ज्यादा तो पानी जो घुसता है ठीक है, तो वो ज्यादा खादर रीजन में ही है हम लोग को देखने के लिए मिलता है। तो इसके लिए जहाँ पर भी फ्लड पेंट बनेगा तो ऑफकोर्स वहां पर सर यंग डिपॉजिट हम लोग को देखने के लिए मिलेगा, विच इज गुड फॉर द एग्रीकल्चर गुड फॉर द कल्टीवेशन शॉर्ट इट विल बी ऑल्सो द फ्लड प्लेन। Thank you.
इसका डायग्राम भी बना दो, बना देता हूँ। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पर क्या हुआ? सर एक अदर प्लेन का स्टेट बताओ ना, अदर प्लेन का स्टेट, अदर प्लेन का उसका तो आ जाएगा ना, यूपी बिहार में सब बनता है सर। नहीं ना बिहार ज्यादा अगर हम बात करूँ तो यूपी बिहार यूपी बिहार के पीछे वाले रीजन पे आपको जाना, थोड़ा सा ठीक है, रांची फैक्ट्री के ऊपर सर ये रहेगा ना, अदर प्लेन रांची फैक्ट्री के ऊपर सर ये है, वेस्ट बंगाल के अदर में आएगा ना। नहीं वेस्ट बंगाल पता भी नहीं आएगा, ये मान तेरे ही आएगा ना, तेरे ही आएगा, लाइन से जो भी यूपी बिहार वेस्ट बंगाल हरियाणा ये सब लाइन से जो भी है ना पार्ट वो तेरे ही में आना चालू करेगा। इसके इसके लिए वहां पर देखो हमेशा वहां पर ज्यादा खेती होती है, हमेशा हमेशा वहां पर ज्यादा ज्यादा खेती होती है, अब वो वहां से अब नीचे उतर जाओ, ठीक है नीचे उतर जाओ, जैसे कि यहाँ पर हो गया लिटिल बिट ऑफ राजस्थान, उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा नीचे का नीचे का रेट कर दे दो, ठीक है क्योंकि अगर ज्यादा मैं कल्टीवेशन बोलू तो हर एक साल जो भी उत्तर प्रदेश का जो भी ज्यादा कल्टीवेशन होता है वो ज्यादा नॉर्थ का रीजन देता है, और अब जैसे हाँ यूपी का मैं बात करूँ और जैसे आप यूपी के साउथ में आप चलते जाओगे तो वहां पर आप लोग को कल्टीवेशन करने के लिए ठीक है, तो इसके लिए आप यहाँ पर जो यहाँ पर है भंगर, यहाँ पर आप थोड़ा सा यूपी का साउथ का पार्ट आप ले सकते हो, ठीक है और जैसे ही आप खाजर में आओगे तो यूपी के नीचे वाले पार्ट और यहाँ पर जो भी है राजस्थान के नीचे वाले पार्ट को आप ले सकते हो, लेकिन प्लेटू के ऊपर वाला यूपी के लिए झारखंड नीचे वाला पार्ट, झारखंड ऑफ कोर्स प्लेटू का भंगर, भंगर झारखंड नीचे वाला पार्ट राइट, मतलब यूपी के नीचे वो भी झारखंड में आधा प्लेटू, झारखंड छोटा नागपुर प्लेटू, मध्य प्रदेश नो मध्य प्रदेश से पहले पूरा It is in the peninsula. मांगर तो मिलेगा, मांगर की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान ठीक है और यूपी के साउथर्न पार्ट, क्योंकि अगर मैं देखूं कि हर एक साल जो भी ज्यादा प्रोडक्शन आते हैं नॉर्थ के यूपी के नॉर्थर्न पार्ट से आते हैं ज्यादा करके एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन, और अगर जैसे ही आप नीचे आप पहुंचते जाओगे साउथ में यूपी के साउथ में नीचे आप आते जाओगे तो वहां पर हम लोग को ज्यादा बैरन लैंड देखने के लिए मिलते हैं, ज्यादा मतलब सूखा देखने के लिए मिलता है, मतलब वहां पर भी खेती होती है लेकिन इतना नहीं वो प्रोडक्शन कर पाते जितना वो नॉर्थ वाले कर रहे थे,
ठीक है, तो इसके लिए यहाँ से यहाँ पे देखिए, यहाँ से पूरा यूपी तो फ्री है, नहीं 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 राजस्थान ए लिटिल बिट ऑफ डाउन साउथ ऑफ यूपी, साउथ ऑफ यूपी, साउथ ऑफ यूपी और वो फर्टाइल है लेकिन वो इतना फर्टाइल नहीं है कि जितना ये टेरेन, ठीक है, जितना ये टेरेन है। अब ये जैसे भी ये खंडर है, ठीक है, खंडर ये हमारे प्लेट्यू के ऊपर वाले का जो भी ये पेनिनसुलर है, पेनिनसुलर के ऊपर वाले का, हाँ ये खदर, खदर तो प्लेट्यू से सर पहले प्लेट्यू के ऊपर कैसा है, प्लेट्यू के ऊपर वाले पार्ट महाराष्ट्र, अच्छा और वो जैसे यहाँ पे ये पूरा ये पानी है ज्यादा ये यहाँ पर ये टेक देता है। और अगर बिहार की मैं बात करूं तो वहां पर जो खुशी नदी है, खुशी नदी इट इज नोन एज द सॉरो ऑफ बिहार, तो वो हर एक साल वहां पर वो बाढ़ वो लाती रहती तो वहां पे तेरा बिहार में तेरा ही खुशी 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 नहीं खुशी नहीं तो वहां से तेरा ही होगी ना, तेरा ही होगी ना, बिहार में तेरा ही, हां बिहार में तेरा ही वो पूरा ही तेरा ही यूपी के नॉर्थ में तेरा ही है। और जैसे आप यूपी के आप नीचे आप आते जाओगे, मतलब आप साउथर्न साइड में आप आते जाओगे तो वैसे ही आपको जो ये भांगड़ है वहां से आप भांगड़ आपको साउथर्न साइड से आपको देखने के लिए वो मिलना वो चालू हो जाए। यूपी के साउथ में नहीं ये जैसे मालूम है ये जो बाउंड्री है ना, है ना, इसे तू भंगर काइंड ऑफ बोल सकते पॉइंट की वापस नहीं 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 दूसरे नीचे नीचे अच्छा उत्तर प्रदेश का अगर अगर मैं ऐसे आता तो मैं नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट बोलता ना, तो मैं सॉरी वेस्ट और ईस्ट बोलता ना, जैसे ही आप यूपी के जो है जैसे ही आप यहाँ से आप नीचे उतरना चालू करोगे तो आपको ये वाला पार्ट आपको ज्यादा आपको देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब यहाँ से जो भी है यहाँ पर राजस्थान और ये मध्य प्रदेश का ऊपर वाला भाग और यूपी का नीचे वाले भाग और यहाँ से झारखंड और बिहार को नीचे, मतलब जहाँ पर ये ज्यादा ज्वाइन कर रहे हैं ना ज्यादा, तो वहां से आपको बांग्लादेश होते हुए भांगड़ मिल जाए, ठीक है। यूपी के साउथ में तो बड़े बड़े वो डायरेक्शन पूरा करती है। बेसिकली आप बोल सकते हैं सर ये भावर छोड़ के बाकी सब पेटी वगैरह मतलब ठीक ठाक है, मतलब ये ठीक ठाक है और ये जो जुम जुम है करे और क्योंकि ये सब स्टेट्स ही हैं जो सबसे ज्यादा वो प्रोडक्शन करते हैं, ज्यादा वो प्रोड्यूस करते हैं, सबसे ज्यादा वो एक स्टेट है जो भी वो पट्टा आ रहा है नॉर्थ ऑफ पेन का पट्टा, तो सबसे ज्यादा वो वहीं से कल्टीवेशन करते हैं, है ना, यानी ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ से आता है, साउथ से आता है ना, तो नॉर्थ ईस्ट से
बिहार से बिहार से बिहार है यू बस और कहीं पे यार हम यूपी वाले तुम्हारे गांव से सबसे ज्यादा आना अब क्यों आया आया होगा तो वॉल्केनो के कारण आया होगा। ये वाला प्रॉब्लम सर पेनिस का असर
तो बस निकाल के वो फिर क्या है कॉन्टिनेंट का पढ़ाई तो ज्यादा बेटर होगा सर कॉन्टिनेंट का टॉपिक सर कॉन्टिनेंट का टॉपिक पढ़ा दो ना वो उसके बाद ये लेते हैं ब्लैक ऐसा हो तो ठीक है लेकिन इसमें क्या है इसको तो आप क्योंकि हिमालय का पोर्शन ही अलग है और अपना पूरा इंडिया सब कॉन्टिनेंट अलग था उसके वजह से वो पूरा सब कॉन्टिनेंट मतलब क्या है वहां से जो अफ्रीका में से आया यूरेशियन प्लेट और जो इंडियन प्लेट जब टकराया था तो तभी तो हुआ था ना तो अगर ये इंडियन प्लेट में तो ये सब है ये सब कुछ वो सब मैं पढ़ा दूंगा तुम चिंता मत करो लेकिन ये इट इज द नेक्स्ट टॉपिक It should have been before that. It is the next topic. It is the next topic. And that is the next topic. उसका formation अलग हुआ और मतलब formation होने के बाद भी ये सब आया ना सर. हाँ, वो सब same है. लेकिन कोई इसका next topic और इसका जो है इसका next topic. लेकिन जब आया तो इसको पढ़ो फिर बाद में जब मैं उसको पढ़ाऊंगा तो मैं इसको भी मैं continue उसमें करा दूंगा. No tension. उसको भी टेंशन है तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जेंटली स्लो जेंटली राइजिंग हिल्स एंड वाइल्ड वैली ठीक है यहाँ पर जेंटली राइजिंग मतलब आराम से वो सीधा वो खड़ा वो चट्टान नहीं है ठीक है जैसे कि हम लोग ठीक है वो मतलब आराम से जेंटली राइज हो रहे हो यहाँ पर जो ये वैली मिलेंगे ये वैली वाइल्ड मिले ठीक है जो वैली है वो बहुत बड़े बड़े मिलेंगे वैली यहाँ पर वाइड मिलेंगे फॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेकिंग ऑफ द रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना ठीक है जो भी गोंडवाना था तो जब वो जाके टकराया और जब वो टूटा तो इसका जो फॉर्मेशन हुआ वो ज्यादा वो गोंडवाना के ड्रिफ्टिंग का ड्रिफ्टिंग जो गोंडवाना का जो ड्रिफ्ट था उसको टूटने की वजह से ये बना था इट इज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ द drifting of Gondwana ठीक है part of the oldest landmass of course क्योंकि ये Gondwana के drifting को ये तोड़कर ये बना है तो ये part रहेगा हमारे oldest landmass पे रहेगा bounded by the alluvial sorry Aravalli bounded by the Aravalli belt northeast ठीक है bounded by the Aravalli in the northeast western ghat in the west and eastern ghats in the east ठीक है तो इसको हम बोल सकते हैं कि इट इज इन द ट्रायंगुलर शेप इट इज इन द ट्रायंगुलर शेप में है ना वो यहां से हो गया अपना वेस्टर्न यहां से हो गया अपना ईस्टर्न घाट अगर मैं एक तरह से बात करूं तो इट इज इन द ट्रायंगुलर शेप वेस्ट यहाँ पर रहेगा वो और ईस्टर्न घाट इन द ईस्ट यहाँ पर रहेगा ईस्टर्न घाट और यहाँ पर रहेगा वेस्टर्न घाट देख ले ठीक है इट इज कंपोज्ड ऑफ द मालवा प्लेट्यू मालवा मतलब सेंट्रल हाईलैंड एंड द डेक्कन प्लेट्यू composed of Malwa Plateau Central Highland Deccan Plateau and it is separated by the Vindhya and Satpura range. It is separated by the Vindhya and Satpura. मैं ये
टाइप्स ऑफ लैंड फॉर वी आर यहां से ज्यादा वो उठा रहे हैं और यहां पे वहां पर वो कम चाहते हो सब यहां पर ये तो कितने ग्राम का जो भी नाला होगा तो उसमें ज्यादा यहां पर उसने कंटेक्ट उसने इस दो यहां पर किया होगा तो इसके लिए वो बन रहा है बेस टू ईस्ट में ठीक है फिर बाद में बाउंडेड बाउंडेड बाय द अरावली माउंटेन विंध्यास रेंज मालवा एंड छोटा नागपुर प्लेटू तो छोटा नागपुर प्लेटू तो झारखंड में है ना रांची के ऊपर रांची पे और वो जैसे कि वो जब मैंने ये संथाल्स में पढ़ाया था हिस्ट्री में जो मैंने संथाल्स रिकॉर्ड पढ़ाए थे वो कहाँ पर हुआ था रांची छोटा नागपुर में हुआ था ना वो ठीक है तो वो इट इज इन द झारखंड और जो अच्छा ये चांदनी अरावली माउंटेन कौन से टाइप का माउंटेन है अब वो धीरे धीरे अब वो रेसिडुअल बनते जा रहा हां बिकॉज़ ऑफ वेदर बिकॉज़ ऑफ द वेदर ठीक है अगर कोई पीछे की करंटली वो कौन सा टाइप का माउंटेन है देन इट इज द रेसिडुअल माउंटेन ठीक है अगर वो फॉर्मेशन कैसे हुआ तो उसको फॉर्मेशन हुआ था ब्लॉक से फॉर्मेशन होता है इट वाज द ब्लॉक माउंटेन लेकिन अगर कोई बोले करंटली अगर एग्जाम में पूछे कि करंटली तो इट इज द रेसिडुअल माउंटेन ओके वेदरिंग आपको समझ में आ रहा है कोई डाउट आ रहा है तो यार आप कुछ पूछ लो क्योंकि आपका वो डाउट मेरे को जो भी बोल रहा हूँ आपको मतलब एटलेस पे आपको वो सब मिल पा रहा है हाँ सर बाजू में ही रखा है एटलेस ओके ठीक है कोई बात बात करते हैं डेक्कन प्लेट्यू ठीक है डेक्कन प्लेट्यू लाए टू द साउथ ऑफ द नॉर्थ नर्मदा रिवर और आप लोग चिंता मत करो जो भी आप लोग ने बोला कि वो सब कॉन्टिनेंट जैसे फॉर्म हुआ तो उसको भी मैं पढ़ा दूंगा और साथ में इस समय और एक बार में उसको मैं और एक बार मेरे इंटरनेट है ठीक है वो मैं देखा बस वो अभी पॉइंट लिया है ऐसा हो गया इसने मैं बोला था कि वो पहले ले लो अब समझ आ गया अभी ये का जरूरत है चलो इट लाइक द अभी मेरा साउथ ऑफ नर्मदा रिवर अब यहाँ पर स्लोप कैसे होगा सेम बेस्ट टू ईस्ट ठीक है इसका स्कोप जो होगा वो भी सेम होगा बेस्ट टू ईस्ट होगा डेक्कन प्लेट बाउंडेड बाय द सतपुड़ा इन नॉर्थ ठीक है नॉर्थ के साइड में सतपुड़ा है सी इन द मैप देन ऑफ कोर्स वेस्टर्न घाट इन द वेस्ट एंड ईस्टर्न घाट इन द ईस्ट Thank you.
हो गया अगला पेश किया जाए सही है तो मालवा इज कंप्लीटेड डेक्कन इज आल्सो तो डेक्कन के भी दो पार्ट्स है ना नॉर्थ और साउथ डेक्कन वो भी बता पार्ट है हां ठीक है नॉर्थ डेक्कन नॉर्थ डेक्कन इज सेंट्रल साउथ साउथ सेंट्रल आइलैंड और नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड पार्ट वेस्टर्न पार्ट और नॉर्थ और साउथ डेक्कन शो ये जो का फिर देख लेना ये ईस्टर्न घाट ना और नॉर्थ डेक्कन बोला गया है तो नॉर्थ डेक्कन इज महाराष्ट्र कर्नाटक एंड तेलंगाना इज साउथ डेक्कन एंड ऑल्सो पार्ट और नीचे मतलब तमिलनाडु का भी पार्ट आएगा केरला का भी आएगा केरला नीचे भाई केरला पूरा नीचे साउथ डेक्कन कर्नाटक तेलंगाना तमिलनाडु वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट्स तो प्लेन्स में भी वो अपर गंगा लोअर गंगा मिडिल गंगा था अपर गंगा प्लेन्स ये अपर गंगा में क्या मिलेगा आपने को इतने डीप में आपको नहीं जा रहा है सर हमको एमपीएससी में तो क्वेश्चन है इसके ऊपर उतने डीप में जितने स्टेट में वो जा रहा है नॉर्थ डेक्कन के बारे में कितना है वैसा फिर से जियोग्राफी के ऊपर आते ही सर क्वेश्चन इतना डीप में नहीं पूछते यार ये इतना डीप में नहीं पूछते सर 150 एमसीक्यूज रहते हैं इसकी आज तक मैंने यूट्यूब पे यूपीएससी सर आप एमपीएससी के पेपर चेक करिए सर आप डाउन है आप समझ गए ना कि नॉर्थ और साउथ में डाउन है यहाँ पर सिर्फ ये वजह बताया ना कि यहाँ पर कौन से मतलब कहाँ से जैसे कि फ्रैंकलिन ओवर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द रायगढ़ बिलासपुर दुर्गा राजपुर और यहाँ पर मतलब स्पेशल फीचर्स क्या है तो मतलब इसमें तो यही है ना कि जैसे कि नॉर्थ डेक्कन में महानदी वेस्ट बेसिन है महाराष्ट्र प्लेटियो में छत्तीसगढ़ प्लेन है गुजरात प्लेन से फिर बाद में व्याकरण और क्या है नहीं क्योंकि उसमें भी इतना हाईलाइट करके दिया है ना कि नॉर्थ डेक्कन साउथ डेक्कन तो इसके लिए वो यूपीएससी में आ सकता है क्योंकि एकदम स्पेसिफाई करके उसने दिया है तो वो रीजन के बारे में भी पूछ सकते हैं साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ द कर्नाटक इन द कन्नौर कुचिपुड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द केरल नहीं है जियोग्राफी डिविजन ऑफ इंडिया इतना ज्यादा डीप में ठीक है नॉर्थ वेस्टर्न ये
आपको आपको कुछ नहीं करना है, आप जाइए और 20 साल का जुनार पेपर आप निकाल लीजिए, आपको सब सामने आएंगे। ठीक है, अब मुझे अफकोर्स मुझे एमपीएससी के बारे में तो इतना पता नहीं, लेकिन यूपीएससी के बारे में मैंने खुद मैंने देखा। तुम लोग इतना डीपली नहीं पूछते कि नॉर्थ कहाँ पर है, साउथ है, आई डोंट नो यू, एमपीएससी में पूछते होंगे डेक्कन्स के ऊपर, क्योंकि अफकोर्स वो महाराष्ट्र में है तो पूछते होंगे। मुझे तो ये क्वेश्चन भी आया था अरावली रेंज का, कि अरावली रेंज के साउथ में कौन सा प्लेटू है। तो वैसे सब ऐसा क्वेश्चंस आ रहे तो आई विल हैव टू स्टडी एवरीथिंग राइट। तो एमपीएससी में तो फिर आए रहेंगे ना, एमपीएससी में तो आए रहेंगे, और एमपीएससी का हायर लेवल ही एमपीएससी सर, तो दे विल हैव टू स्टडी मोर देन अस। ठीक है, तो एक बार डाउनलोड करके देखो, ज्यादा तो डेक्कन वो महाराष्ट्र में वो इसके लिए पूछते क्योंकि आप लोग को स्पेशली आप लोग को एमपीएससी ही लेना। नो नो, वी वर जस्ट आस्किंग यू कि अरे कवरिंग ऑल दिस वन नथिंग मोर, मतलब इसमें फिजियोग्राफिक डिवीजन दिया है ना एक क्लास में, तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि आपने से डेक्कन और मालवा प्लेटू बोला। मालवा प्लेटू में भी साउथ सेंट्रल आइलैंड आता है और नॉर्थ सेंट्रल आता है, फिर से ईस्टर्न प्लेटूज भी आता है, उस समय पूछा। ठीक है, ठीक है, तो नहीं 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 अगली बार मैं इसको भी मैं तो कवर भी करा दूंगा पूरा डेट में, जब बोले कि एमपीएससी में नहीं नहीं जब आप नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं क्योंकि मुझे जब बोले कि एमपीएससी में ये भी आता है तो अगली बार ये उसको मैं मैंने ऐसा रखा है कि अगर पढ़ रहा हूं अच्छे से पढ़ लूं उसको मैं, और मैं क्योंकि बहुत शॉर्टकट में चले जा रहा हूं मैंने इसमें, और मैं डीप में मैं आपको मैं सिखा दूंगा उसको, इसमें कोई बात नहीं है उसके उसके ऊपर और एक लेक्चर रखेंगे उसके ऊपर, कोई प्रॉब्लम उसके ऊपर और एक लेक्चर रख लेंगे, क्योंकि यूपीएससी में तो इतना हम लोग साउथ डेक्कन और वेस्ट डेक्कन नॉर्थ डेक्कन बारे में इतने पूछते हैं, मतलब इतने आज तक मैंने क्वेश्चन पेपर देखे तो इतना बाइफरकेट करके उन लोगों ने नहीं पूछा, ज्यादा उन लोगों का फोकस रहता है वर्ल्ड मैप और अरेबियन सी साउथ चाइना सी के आसपास ही उन लोग ज्यादा घूमते हैं। पहले से काफी 5 साल से उन लोग का जो इंडियन का जो लेक्स और माउंटेन रेंजेस है उसके ऊपर भी उन लोग का क्वेश्चन बहुत कम हो गया, ज्यादा उन लोग का फोकस रह रहा है ज्यादा वर्ल्ड मैप पे। और यहाँ पर वो जब इंडिया का और जब चाइना का जब हुआ था झड़प गलवान में, तब जाके माउंटेन रेंजेस पूछा था वहां का पूछा, ठीक है, गलवान का टिपट साइड और ये सब यहाँ से भी पूछा था, क्योंकि अब मैं जैसे मैं ट्रेन में देख रहा हूँ ट्रेंड, तो यूपीएससी का ट्रेंड अब चेंज होते जा रहा है, उन लोग इंडियन से अब सीधा जा रहे, अब जा रहे वर्ल्ड पे जा, अगर इंडिया का अगर पूछते भी तो एक एक दो एक क्वेश्चन पूछ लिया और 4-5 क्वेश्चन उन लोग का जाता है वर्ल्ड मैप से, और वो भी क्वेश्चन ऐसे जगह से आता है जो मैप में नहीं दिया रहे, मैप में आप लोग को इजली नहीं मिले, कोई बात नहीं, मैं उसको मैं कवर में अगले लेक्चर में उसको मैं डीपली में कवर में करा दूंगा। ठीक है, ओके, अब चलते हैं वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स पे। यार तो तुम बोलो ना कि तुमको क्या चाहिए, क्योंकि मुझे एमपीएससी के बारे में इतना डीपली में तो नॉलेज कुछ नहीं, यूपीएससी अगर उन लोग इंडिया में भी उन लोग पूछेंगे, जैसे अगर उन लोग डेक्कन प्लेटू बारे में पूछ रहे तो उन लोग का ज्यादा फोकस उन लोग महाराष्ट्र साइड पे ही रहता है, ऐसा फोकस वगैरह नहीं करते सर, अगर उन लोगों ने दिया है मतलब सिलेबस में उन्होंने लिख के दिया है क्लियरली जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड इवोल्यूशन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ये टॉपिक उन लोगों ने दे दिया, इसमें से हम कुछ भी पूछेंगे नहीं, बोलो सोनो का है तो मैं ऐसा प्रिपेयर कर रहा हूं कि मैं पूरा अपने जियोग्राफी ऑफ इंडिया अच्छे से कर, तो फिर तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब इसके ऊपर क्वेश्चन आया तो देन स्टार्ट सेइंग मी, ठीक है, जैसे
आज आपने बोला तो फिर मैं बाद में उसके ऊपर फिर से मैं एक सेपरेट में लेक्चर में रखती हूँ, उसमें कन्वर्स करके मैं आगे में आपको मिलने के लिए जा सकता हूँ। ठीक है, नहीं तो लाइन सर भी अब आपके साथ ही होगा क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं अच्छे से पढ़ ले रहा हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है सर। आप पढ़ा रहे हो मुझे आज स्टोरी को दिमाग में बैठ रहा है, इसी बात में एक्स्ट्रा एफर्ट ले रहा हूँ थोड़ा बहुत। जैसे कि आप जैसे कि आपने बोला कि हम लोग के पेपर में इसको भी पूछा जाता, तो आप वैसे बोलते जाओ क्योंकि मैंने खुद में एमपीएससी नहीं दिया, मैंने ज्यादा यूपीएससी दिया, तो मैं 10-15 साल का पेपर उठा के मैं वहां से देखता हूँ कि कैसे कहां पर ट्रेन जा रहा, तब मैं जाकर आप लोगों को वो ट्रेंड में सिखाना मैं चालू में कर रहा। अगर मैं वो सब्जेक्ट सिखाऊंगा जहाँ पर यूपीएससी का ट्रेंड है ही नहीं, व्हाट इज, तो इसके लिए आप भी बोलते जाओ कि ठीक है हम लोग को ये यही आ रहा है, आप हम लोग को ये भी सिखा। पता चल गया तो सब आराम से खुल गया। हाँ वो तो बेसिक है सर, मतलब ठीक है वो पढ़ने के ऊपर है, स्टिल वो डाउट आ रहे थे इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। और उसका जो भी सेंटेंस था वो सब मैंने कवर मैंने किया है, उसको जब हम डिस्कस करेंगे तो आप लोग को वो पता चले क्योंकि मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, तो वो सब मैंने आप लोगों को कवर किया। यूपीएससी आपसे आपसे वो ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि आपको सब चीज पता होना चाहिए, सब चीज किसको भी पता नहीं लगता, लेकिन उसमें एक ऐसा ऐसा वो सेंटेंस देगा जिसके जिसके थ्रू आप पूरा मास्टर निकाल देंगे। मतलब मेरा से बेस था कि मुझे जो लेवल से मुझे मैं पूरे हिसाब से कवर करूंगा, मैंने जो बोला कि मैं ईच एंड एवरी टॉपिक सब मैं कंटेंट में कवर करूंगा तो करूंगा। आप लोग सिर्फ मुझे आप बोलते जाओ कि हम लोग को ये कंटेंट चाहिए वो कंटेंट चाहिए और मैं वो हिसाब से मैं ज्यादा कितना टाइम लगेगा, ज्यादा से ज्यादा एक लेक्चर ज्यादा रहेगा, दो लेक्चर ज्यादा लगेगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन कंटेंट में सब में क्लियर करूंगा। सिर्फ आपके यहाँ से मुझे रिव्यू आप आने दीजिए कि मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, क्योंकि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ यूपीएससी का पर्सपेक्टिव, लेकिन बीएससी का पर्सपेक्टिव में मैं उतना मैं आगे मैं नहीं सोचूंगा। मैं अगर मैं झूठे बोलते कि मैंने आज तक मैंने यूपीएससी का पेपर मैंने देखे, मैंने ज्यादा मैंने 10-15 साल का यूपीएससी का पेपर को मैंने रीड किया है और उसके ऊपर मैंने अपना मैंने ये नोट्स बनाना और पढ़ाना मैंने चालू किया, तो आप भी सामने से बोलते जाए ताकि मैं जब प्रिपेयर करूँ तब मुझे पता चले ठीक है तो इन लोगों का क्या गेम है, तो मैं वो हिसाब से मैं दोनों साइड से मैं कवर में करते रहते मैं चलूँ, नहीं तो इन लोग को मैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ा दूंगा और आप लोग को मैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से मैं थोड़ा सा लोग में पढ़ा रहा हूँ तो वो नहीं मुझे लगा था कि वो आप लोग मेरे सिलेबस से बहुत ज्यादा सिलेबस आप लोग मुझे लगा था कि आप पूरे अच्छे से कवर सिलेबस ज्यादा है सिलेबस ज्यादा लेकिन जो ट्रेंड चल रहा है यूपीएससी का वो देखो ना किसी भी तो अकॉर्डिंग टू ट्रेंड और सभी को अकॉर्डिंग टू द सिलेबस यूपीएससी अकॉर्डिंग अवॉइड अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड और ट्रेंड पता चलेगा सिलेबस के बाद सिलेबस फॉलो करना ट्रेंड पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसके लिए हाँ हमेशा बोला जाता है कि 10-15 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पता वो सब सिलेबस बेसिक तो आपको कवर करना है लेकिन ट्रेंड के हिसाब आपको और उसको पता चले कि हमको ज्यादा फोकस कहाँ पर देना, क्योंकि 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ कि इंडिया पे उन लोग या तो क्वेश्चन पूछ नहीं रहे, पूछ रहे तो सिर्फ एक दो और ज्यादा जो 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं वो वर्ल्ड के साइड से आ रहे हैं और वो ऐसे ऐसे प्रेसेस के बारे में पूछ रहे जो मैथ में ढूंढने से भी नहीं थी, उसको वो गूगल मैप स्क्रॉल करके देखना पड़ा था जो यहाँ पर ये यहाँ पर वो है, तो ऐसे चला अगर यहाँ पर प्रॉब्लम चालू हो गया अभी साउथ चाइना सी में है तो साउथ चाइना सी में कोई भी एक आईलैंड था तो कुछ भी नहीं उसके ऊपर बोलते कि आईलैंड है कहाँ, इस बार उन्होंने पूछा था ताइवान के आईलैंड के ऊपर, तो उन्होंने ज्यादा फोकस कर रहे वर्ल्ड पे इसके लिए देखो ज्योग्राफी का हमेशा एक ही ट्रेंड रहा है कि बेसिक कंप्लीट करो और क्वेश्चन आएगा करंट अफेयर के बैकग्राउंड से आएगा, ज्योग्राफी का ये हमेशा ट्रेंड है। वोल्केनो के ऊपर उन लोग सभी क्वेश्चन पूछेंगे
जब कहीं पर वोल्केनो आ चुका है बस एंड यू डोंट टेक टेंशन आई कवर सेट इंजीनियर आई विल कवर दिस अगेन मैं मतलब आई विल कवर कर रहा हूं अभी कवर नहीं अगेन तो जितना कवर कर उतना कर वेयर अब आप ऐसे बोलते जैसे 10 से मतलब ऐसा लोगेस के 89% सेंसस के ऊपर आता है 2011 भी उन लोगों पिछले साल से बहुत कम कुछ ज्यादा मिनरल पे पाए जाते हैं ज्यादा क्रॉप्स वहां पर पाए जाते हैं लेकिन वहां से कभी भी क्वेश्चन इंटरनेशनल बॉडी से भी ज्यादा वो कम कम पूछ रहे ज्यादा उन लोगों का फोकस रह रहा है अभी ईवीएस पे एनवायरमेंट लॉस पे और ये सब और ज्यादा फोकस रह रहा है उन लोगों का साइंस साइंस पे भी उन लोगों का काफी फोकस रह रहा है वायरस बैक्टीरिया ये सब तो आप लोग ऐसे बोलते जाओ यार ऐसा चुप बैठे तो मैं ऐसे काम सर मतलब पहले से जुड़ रहा हूँ मैं हमेशा बोल ही देता हूँ उसके बाद क्योंकि हम लोग को मतलब एक बेस तैयार होना चाहिए ताकि हम लोग जब भी वो इंग्लिश पेपर पढ़े तो हम लोग को वो समझ में आए ठीक है बाद में अब बेस साढ़े छह और अगर किसी को अगर इस बार एग्जाम देना है तो प्लीज काइंडली फोकस ऑन करंट अफेयर
Okay. Now let us start with the Western Ghats. Western Ghats. Western Ghats. UNESCO World Heritage Site. Flora and fauna. नेचर ब्यूटी देखो वैसा क्वेश्चन है अगर तुम्हें एक उसमें से पता रहा मतलब लास्ट वाला तुम्हें पता रहा तो तुम 50-50 पे खेल सकते हो जो कि मैं उस दिन बताया था 50-50 अगर ये तुम्हारा दो पता रहा तो तुम 100% तुम खेल सकते हो अरे 5 मिनट लग गए इधर मेरे पास से 20 सेकंड से आपने टॉपिक रखे हुए 5 मिनट कैसा लग गया अपन डिस्कस करते करते मतलब ऐसा कोर पार्ट ऑफ द अर्थ इज मेनली मेड अप ऑफ आयरन एंड यू गेट ना या नहीं निकल इजीएस्ट क्वेश्चन देखा है मैंने इसी पे रिजल्ट ठीक है वेस्टर्न घाट वेस्टर्न इज ऑफ द डेक्कन प्लेटू ठीक है वेस्टर्न घाट इज द वेस्टर्न इज ऑफ द डेक्कन Deccan Plateau parallel to the western coast ठीक है continuous parallel to the western coast continuous of course ये जो भी range है ये continuous range है जैसे कि eastern Ghats वो continuous range वो नहीं है ठीक है popular name is Sahyadri in Maharashtra महाराष्ट्र नीलगिरी एक कर्नाटक है तमिलनाडु अन्नमलय केरला ठीक है अन्नमलय ठीक है और अन्नमलय है कर्नाटक में इन केरला तमिलनाडु में नीलगिरी हिल्स इन कर्नाटक है तमिलनाडु है अन्नमलय है पादमनी केरला और सह्याद्री कहां पर है वो है महाराष्ट्र में ठीक है हायर देन द ईस्टर्न घाट्स ऑफ कोर्स इसका जो हाइट है वो ईस्टर्न घाट से वो ज्यादा वो हाइटेड है हाइट इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ठीक है नॉर्थ में ज्यादा यहाँ पर हाइट ज्यादा रहेगा और यहाँ से हाइट यहाँ पर कम रहेगा अगर जैसे हम लोग नॉर्थ से साउथ में जाएंगे तो वहां से वो हाइट वो घटता जाएगा हाइट इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ साउथ में हाइट रहेगा हाँ हाइट इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ साउथ नॉर्थ समुद्र जैसे नीचे जाएंगे वैसे उसका हाइट वो बढ़ता जाएगा हाईएस्ट पीक इज
अलाई मुडी ठीक है इन केरला इसका अगर हाइट उसका हाइट देखना 2695 meters ठीक है इट इज द ऑफ कोर्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वन ऑफ द एट हॉटेस्ट हॉटस्पॉट ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड ठीक है यहाँ पर मतलब बहुत सारे फ्लोरा एंड फौना से बहुत सारे वैरायटी है इसके लिए इसको एट हॉटेस्ट बायोलॉजिकल फ्लोरा हो सकता है बायोलॉजिकल फौना भी फ्लोरा एंड फौना बायोलॉजिकली क्या नहीं प्रिजर्व करने और सबसे ज्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड ठीक है अगर मैं यहाँ पर मैं हिल स्टेशन का बात करूँ तो माथेरान लोनावला खंडाला महाबलेश्वर है पंचवेल बाद में नीचे देखो एटलास में देखो कहां पर है नीलगिरी हिल्स सो नीलगिरी हिल्स इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट्स का क्या है ईस्टर्न हिल्स ऑफ द हो गया ईस्टर्न ये साइड है साइड का ईस्टर्न इज ऑफ द टेकन प्लेटू इज द डिसकंटीन्यूअस इन द इनरेगुलर ठीक है इट रिवर ड्रेन इन टू द बे ऑफ गंगा हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट इज महेंद्रस महेंद्रगिरी ऑफ कोर्स अरेबियन सी रिवर कौन से जब रिवर है बहुत कम रिवर है एंड हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट इज महेंद्रगिरी इन उड़ीसा हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट इज महेंद्रगिरी पर्वत कहाँ पे है उड़ीसा उड़ीसा महेंद्रगिरी इसका कुछ मतलब स्टोरी है ना मलयगिरी ऊपर है महेंद्रगिरी के नीचे महेंद्रगिरी महेंद्रगिरी कुछ मतलब स्टोरी है ना ये भी याद नहीं है लेकिन है महेंद्रगिरी पर्वत का नाम मैंने मतलब अन्ना मलयगिरी में कुछ स्टोरी बता महेंद्रगिरी का पर्वत कुछ लगता है कि रामायण की और महाभारत से लिंक है लिंक है मुझे भी तो हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट इज महेंद्रगिरी पीक ठीक है हाईएस्ट इट इज इन द अपन मजे करने के लिए एक कोई प्रॉपर्टी मिली प्लान जो भी करना रहे क्लास के बाहर जो आप सकते हो मंदिर से बोल दे ये परमिट के लिए मंदिर चाहिए इसको बोला बोल दे बोल दे चाहिए भाई वो पहनना से जब मिला साथ जो है
हिल स्टेशन यहाँ की बात कर रहे हैं, ठीक है, फेमस हिल स्टेशन। नीचे से पूछा था क्या था? सोना निकल रही है ना? एनसीपी जा रहा है ना, तो नॉर्थ से पूरा ना साउथ में लगा। उदागमन, उदागमंडलम। नहीं, हाँ सबसे फेमस स्टेशन है साउथ का। इट इज़ इन ऊटी, इन तमिलनाडु। ठीक है, ओके, उदागमंडलम। तमिलनाडु अजीब बात नहीं,
ठीक है, इट फॉर्म द नेचुरल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है, जिसका 61% एरिया है इट इज इन राजस्थान, ठीक है, 61% एरिया इज इन राजस्थान, बॉर्डर बॉर्डर बाय द इंडस रिवर प्लेन, ठीक है, इसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर देख लेना, बॉर्डर बॉर्डर बाय द इंडस रिवर प्लेन इन वेस्ट, इंडस रिवर प्लेन इन वेस्ट, ठीक है, नहीं नहीं वेस्ट एंड पंजाब प्लेन इन नॉर्थ, पंजाब प्लेन इन नॉर्थ, अरावली रेंजेस इन साउथ ईस्ट, इन साउथ ईस्ट एंड रन ऑफ कच्छ इन साउथ, रन ऑफ कच्छ इन साउथ। यहाँ पर अगर मैं रेनफॉल की बात करूं, फिर यहाँ पर जो रेनफॉल होगा इट इज बिलो 150 mm, रेनफॉल पर ईयर। अगर कम से कम होगा तो कम से कम वो 750 या 700 और 700 की वो नीचे नहीं आएगा, मतलब बहुत कम बारिश हुआ तो फिर भी वहां पर 700 mm के ऊपर हो जाते हैं। फिर बाद में वेस्टर्न हाँ, ठीक है, इसमें भी मतलब दो दो डिवीजन है आपको, ठीक है, एक वेस्टर्न थार और एक ईस्टर्न थार। वेस्टर्न थार में जो भी है वो अराइव, वेस्टर्न थार में अराइव, इट इज द अराइव, और यहाँ पर मरुस्थल बोलते हैं, मरुस्थल मरुस्थल डेडलैंड, ठीक है, वेस्टर्न थार बोले तो कौन सा पार्ट, वेस्टर्न थार ऊपर जाओ मतलब इस साइड, सॉरी पाकिस्तान की साइड आ जाओ, जाओ वेस्टर्न थार है, अरे जहां पर हुआ था ना ये फॉर लोंगे वाला, संजय दत्त लोंगे वाला, संजय दत्त सनी देओल, सनी देओल सनी देओल सर, अभी उसका बोल रहा हूं लोंगे वाला बोल रहा हूं, लोंगे वाला बॉर्डर का हुआ था तो अभी चीज में भी आ रहा सर बॉर्डर, हां वो अभी अजय देओल का मैंने मैच नहीं देखा, वो मुझे सुना वाला पता है, वो संजय दत्त ने बीच में बोला लोंगे वाला पे, संजय दत्त लोंगे वाला में, हां वहां पर जो ये था सरदार जी थे ना, वो सरदार जी से कर रहा है, और राजस्थानी थे लोंगे वाला में पोस्टेड, इंडिया के मेजर चांदपुरी सिंह, चांदपुरी मेजर चांदपुरी थे, मेजर चांदपुरी, ठीक है, तो यहाँ पर वेस्टर्न थार में, वेस्टर्न थार को वेस्टर्न थार में राइट रीजन है, उसको बोलते हैं मरुस्थल, मरुस्थल, ठीक है, डेडलैंड। और अगर ईस्टर्न थार का बात करो, ईस्टर्न थार में सेमी अराइव, मतलब यहाँ पर सेमी अराइव, यहाँ पर हमें बागर टाइप का मिल जाता है, रीजन थिन लेयर ऑफ द सैंड, थिन लेयर ऑफ सैंड, लियो लियो सेमी लेयर,
पागल अरे नहीं नहीं अबे कोई इसमें करना अवरी इसका अगर मैं फीचर्स का मैं बात करूं फीचर्स में क्या हो जब भी देखो कौन बात में फीचर्स इसके क्या है सैंड ड्यून यहां पर सैंड ड्यून के लिए मिलते हैं पता है ना और शू के तो मशरूम रॉक भी यहां पर देखने के लिए मिलते हैं ठीक है सैंड ड्यून मशरूम है ऑल दिस ओ ए एस आई एस ऑल दिस मोस्टली इन द साउथर्न पार्ट ये जो डेजर्ट का है साउथर्न पार्ट है तो वहां पर ज्यादा होते हैं ठीक है तो ये तो पता है पानी रहता है डेजर्ट के बीचों बीच ऐसा गोल पानी रहेगा और यहाँ पर मतलब यहाँ पर कुछ नारियल के झाड़ रहेंगे नीचे Place in the desert, where the water comes up to the surface from the deep underground. ये क्यों आता है? Underground acquire of the river that create enough pressure of the water to sweep to the surface. अंदर से वो pressure बनाता रहेगा water के ऊपर pressure को इतना बना रहता है कि वो ऊपर वो आ जाता है वहां पर हमेशा पानी थोड़ा रहता है वो मिलेगा ही मिलेगा जो भी लोग बसते हैं के लिए तो वो ज्यादा वो इसके बगल में वो बसना अपना पसंद करते हैं क्योंकि वहां पर पानी का प्रॉब्लम नहीं रहता जमीन के अंदर इतना कभी कभी वो इतना प्रेशर बना देता है कि वो पानी को ऊपर सफिशिएंट नहीं हो फिर भी मतलब वो पानी नहीं है मतलब नहीं है वो सब यूज करता है खारा पानी है सब क्यों यूज करेगा वो खारा पानी नहीं रहेगा खारा पानी इसमें निकालना खारा रहेगा पूरे डेजर्ट को सिर्फ इंदिरा गांधी का अंदर पानी बचा कहीं कहीं पर बीच में परफॉर्म हो रहा है वो पूरे डेजर्ट में फॉर्म गाड़ी से किला तो अरेबियन सी चाय का मजा आते है धीरे धीरे मीठा पानी होगा वहाँ पर अरे वो कहीं कहीं पर फॉर्म होता होगा छोटे से पेनल्टी में वो तो ये वो पूरा वो डेजर्ट को अगर वो कवर वो कर लेगा तो बाद में डेजर्ट वो रहता ही नहीं कहीं कहां पर वो फॉर्म हो जाता छोटा सा एक बावड़ी के जैसे वो फॉर्म हो जाता है ये देखो ये इमेज देखो ये ऐसे रहता है सर इधर मजा है ये ऐसे रहता है ये जहां पर होते हैं वहां पर आपको ये मिलेंगे ये देखो जैसे कि यहां पर उसका मतलब ये नहीं कि वो कई किलोमीटर में फैल रहा है कुछ वो वो बाउंड्री के जैसा हो रहे हैं अच्छा दिस इज लाइक अ लैंडफॉर्म जो है नेचुरली यहाँ पर जाना है वहां पर ट्रिप के लिए कोई बात ठीक है सो थैंक यू